ये आपका रोक जो है ये सीधा ऐसे होना चाहिए, यानी मतलब इसको ये देखो इसकी डायरेक्शन सही है, ये इसकी साइड पे नहीं इस साइड पर, मतलब खोलें इसको, मतलब क्या नीचे करें सारा हैजर्ड बन जाएगा। सही है, समझ आ गई है भाई पॉइंट को आपको, मतलब बस ये जो मैं कह रहा था कि इसको ये ठीक है मियां साहब, उसके बाद वो ठीक है आपकी बात के, ये चीजें सर बैग निकाल लेना, खुद तो निकाल लें, लेकिन बात ये है कि बैग उधर से खींचो, क्रिटिकल चीजें हैं ये, इनको समझना जो बहुत जरूरी है। जी मियां साहब, निकाला नहीं बाकी है, इधर देख उधर से निकालो यार, वो उधर से निकाल लें आप से पूरा बल्कि तो ये मैं आपको बताऊँ ये इसकी जरूरत नहीं है, बैग रखो इधर, बैग के अंदर उसको डालो। ये हाइट है जहाँ हमने काम करना है, ये प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ हमने एक एंकर पॉइंट बनाया है जिस पर एक पुली लगाई और एक लाइफ लाइन उसमें से गुजारी। लाइफ लाइन से आगे हम इस स्ट्रेचर बास्केट को हम होल्ड करेंगे, ठीक है, अगर आईपी कोई वहाँ पर है, जो कोई अनकॉन्शियस बंदा है तो उसको हम इस स्ट्रेचर में टाइंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये होगा हवा में, ये अभी हम डेमो करेंगे इसका, और दूसरे एंड पर जो लॉन्ग एंड है इसका लाइफ लाइन का, वहाँ पर हमने ये डिवाइस लगाई है, इसे डिसेंडर कहते हैं, ठीक है। ये इसको ये जो हमने यहाँ पर इसका एक पॉइंट बनाया है एंकर पॉइंट इसको, ताकि इसको यहाँ पर होल्ड कर सकें हम लाइफ लाइन पर। अब ये ऊपर जा रहे हैं स्ट्रेचर की टॉप प्लेट पर, हमने इसको टाइट किया ऊपर से, जो बंदा प्लेटफॉर्म से इसको बाहर की तरफ क्लियरेंस वाले एरिया में निकालेगा, ताकि ये टैग लाइन को पकड़ के रखे, ताकि एक ड्राइव निकाले। दूसरा एक और अब ये आईपी हमने ना नीचे उतारना है, याद बटन दबाने की जरूरत ही नहीं है, मुश्किल से पजल हो रही थी, ये देखो ये 65 केजी की डमी है जिसको हमने स्ट्रेचर में बांध लिया है, और अब चेक करें क्या इसके बेल्ट बराबर हैं, इसके बेल्ट लिफ्टिंग के लिए बराबर होने चाहिए, अदरवाइज़ ये गिरने का ख़तरा है। हर चीज़ हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिस इंसान को बेहतर बनाती है। इंशाल्लाह कुछ दिन बाद इंटरनेशनल ट्रेनर आ रहा है जो हमारी इसकी ट्रेनिंग करवाएगा। ये हम वर्टिकल रेस्क्यू के लिए एक बंदे को हमने इसके अंदर बांधा है, इसके जो बेल्ट हैं जो इसने सेफ्टी हार्नेस लगाई हुई है उसको रेस्क्यू रोप मैनुअल के मुताबिक हमने बांधा है। इसको वर्टिकल पोजीशन में खड़ा करेंगे और देखेंगे कि किस जगह पर कोई कमी है, और इससे पूछेंगे कि ये कैसा फील कर रहा है, इसके किस हिस्से पे ज़्यादा बोझ है, क्या बेल्ट हमने सही लगाए हैं, और फिर ऑब्ज़र्व करेंगे इसको 5 मिनट इस तरह करके कि ये नहीं कहीं नीचे तो स्लिप नहीं होता। ये हमारा ट्रेनिंग सेशन है और प्रैक्टिस इंसान को बेहतर बनाती है। ये बंदा बता रहा है कि मैं कम्फर्टेबल हूँ, मैं ठीक हूँ, एक जो एक्स्ट्रा स्ट्रैप है वो अगर मेरी टांगों के ऊपर लगा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी हम देख रहे हैं कि जो इसका हेड है उसको सिक्योर करना है, हेड को सिक्योर करने के लिए हम एक और बेल्ट लगाएंगे। ये हाइट से ये सीएमसी कंपनी के रेस्क्यू इक्विपमेंट हैं जो हमने अमेरिका से मंगवाए हैं, इसकी जो प्राइस है वो पाकिस्तान में 28 लाख के करीब बनती है, बहुत महंगा इक्विपमेंट है, और इसका ट्रेनर भी आ रहा है सीएमसी का, अमेरिका से इसका ट्रेनर आ रहा है, वो हमारी ट्रेनिंग करवाएगा। उससे पहले हम सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे साथ पास मियाँ साहब थे, उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की, उन्होंने बहुत समझाया, बहुत सिखाया है। और आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेचर है इसमें हमने बंदे को अच्छी तरीके से बांध लिया है। अगर हाइट से हमने इसको इस पोजीशन में वर्टिकल हमने इसको रेस्क्यू करना है तो हम ये यूज़ करेंगे। ये डिसेंडर है, ये ज़मीन पर लगता है, हाइट पर भी लगता है, इसको ऊपर और नीचे दोनों जगह पर लगा के आप बंदे को रेस्क्यू कर सकते हैं। ये बेसिकली स्ट्रेचर को हाइट से नीचे उतारने के लिए होता है। इसके साथ जो ये लीवर लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है, हैंड ब्रेक की तरह काम करता है, इसको जिस तरह आप बटन पुश करके या बटन के बगैर आप इसको रिलीज़ करते हैं तो ये नीचे आता है। इसके अंदर एक सेल्फ लॉक होता है, अगर ये झटके के साथ स्ट्रेचर नीचे आता है तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, अदरवाइज़ ये आप हैंड के साथ इसको कंट्रोल करते हैं और नीचे और ऊपर लेकर जाते हैं।
ये हम इसको क्रेन की मदद से फूल ऊपर लेकर चले गए और अब यहाँ से हम इसको नीचे कर सकते हैं।